छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के साथ ही केंद्र सरकार ने एक बार फिर से आम जनता की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। रेलवे ने कोरबा से अमृतसर के बीच चलने वाले छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ ही कई अन्य ट्रेनों का परिचालन कई दिनों के लिए रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पिछले 4 माह के लिए रद्द कर दी गई है। इस ट्रेन के बंद होने के चलते लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। हमने कुछ लोगों से बात की, तब उन्होंने बताया कि रेलवे का यह फरमान आम जनता के लिए काफी कष्टदायक है। कुछ दिनों के लिए रेलवे को ट्रेन बंद करना था, न कि 4 माह के लिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का परिचालन रद्द किया गया है वह सही नहीं है। 4 महीने के लिए जो ट्रेन रद्द हो जाती है, इसकी वजह से श्रद्धालुओं को जो आने जाने की जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, 4 महीने के लिए रद्द नहीं होकर अरे कुछ समय के लिए अगर रद्द होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 महीने के लिए जो रद्द होती है तो इससे क्या श्रद्धालुओं को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। ट्रेनें रद्द होती हैं तो बहुत दिक्कत तो आती है यात्रियों को, और इसका सामना उन लोग करते हैं, तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी हाल ही में जो अमृतसर एक्सप्रेस अमृतसर जाती है गाड़ी, उसको छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उसको 4 महीने के लिए बंद कर दिए, रद्द कर दिया गया है। इससे देखिए, अभी गुरु नानक जयंती है, उसमें हमारे श्रद्धालु वहाँ अपने तीर्थ स्थान जाते हैं तो वो नहीं जा पा रहे हैं समय में वहाँ दर्शन करने के लिए, वहाँ पर माथा टेकने के लिए। तो जितने भी आवाम है कोरबा जिले के, अब उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट थी, अब 4 माह, मतलब 4 माह यहीं पर नहीं होता, 120 दिन होता है। 4 माह के लिए अब जितने कोरबावासी हैं सबको परेशानी, और ऑटो वाले जो हैं, ऑटो वाले का भी इसमें रोजी रोटी मार खाएगा, है ना। ऑटो वाले का भी धंधा पानी नहीं हो पाएगा। ऑटो वाले जो हैं वो ट्रेन और बस के सहारे तो ऑटो वाले ऑटो चालान करते हैं,